जमाना याद आता है हमें तो अब भी वो गुजरा। जमाना याद आता है तुम्हें भी, क्या कभी कोई दीवाना याद आता है हमें तो अब भी वो गुजरा। जमाना याद आता है तुम्हें भी, क्या कभी कोई दीवाना याद आता है हमें तो अब भी वो गुजरा। जमाना याद आता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और आप लोग भी अच्छे रहे, खुश रहे, सलामत रहे, जहाँ भी रहे। तो अभी तो मैं पहुँची हूँ, जब गांव में होती हूँ, कहाँ होती हूँ आपको पता है, या घर पर, या काउ शेड के पास, या ये बगीचे वाला घर, उसमें हूँ। क्योंकि दिन को, जैसे हमारे दिन 3 टाइम्स होता है काउ मिल्किंग का काम, तो अभी दिन को मैं फिर आई हूँ गाय का करने के लिए, वो मैंने कर लिया है। उसके बाद हस्बैंड ने एक काम दिया है, मैंने आपको जैसे बताया था कि हस्बैंड ने किया है, एक कीवी स्टॉल स्टार्ट किया है। कीवी कीवी है जैसे हमारे अपने है फार्म में लगी हुई, तो हम फ्रेश फार्म कीवी को बेचते हैं खुद ही। क्योंकि बताया ही था कि, हमेशा ही बताती हूँ वही बात रिपीट करती हूँ बार बार, कि मार्केट में इतने अच्छे रेट नहीं मिलते। तो आजकल जैसे टूरिस्ट सीजन भी होता है और फेस्टिवल सीजन भी होता है, तो अच्छे रेट हमें वहीं घर के पास ही मिल जाते हैं। तो मैं गाय का करने में, उन्होंने बोला कि थोड़ी सी तुम कीवी लेके आना, जो थोड़ी कम पड़ गई थी बॉक्स में भरने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे भरी है हस्बैंड ने वो कीवी। अलग अलग साइज होते हैं, जैसे ये देखो, ये इतना बड़ा, कुछ से बड़े वाली बेच दी है ये है। यहाँ पे तो हम तब भी कम रेट के दे रहे, यही वाला पीस अगर आप चंडीगढ़ और दिल्ली जाओगे ना, यही वाला पीस आपको 30 रुपए का मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा। बताए क्यों? क्योंकि हम लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हम मतलब कि हम मतलब हमें अच्छा नहीं लगता कि हम लोगों को जो बहुत ज़्यादा रेट में बेचें, क्योंकि सब अपनी जेब देख के ही खर्चा करते हैं। तो हम पीस के हिसाब से नहीं देते, हम बॉक्स के हिसाब से देते हैं। डिपेंड करता है, बॉक्स बड़ा है, अगर बड़ा है तो 200 रुपए का, उसे छोटा है तो 150 रुपए का, नहीं उसे छोटा है तो 100 रुपए का। तो और आप यही वाला पीस, सिंगल पीस अगर प्लेन्स में लोगे तो ये वाला पीस 30 रुपए से कम नहीं होगा, और इससे थोड़ी छोटी भी है ये, इनमें कितना डिफरेंस है, और एक इससे छोटी भी है ये। तीनों डिफरेंट साइज में, बड़ी, छोटी, छोटी, इससे भी छोटी छोटी होती हैं वो, तो हम ऐसे ही कोई बोलते खाने के लिए उनको, मैं ऐसे डाल के देते हैं, बहुत बहुत छोटी है, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये तो बहुत ज्यादा छोटी है, इससे भी थोड़ी बड़ी है, ये देखो, ऐसे ऐसे साइज है इसमें। तो बाकी अच्छा नहीं लगता ना हम लोगों को ऐसे लूटे मिले, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी बेचारे सभी अपने जेब के हिसाब से खर्चा करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ मक्की के वो सूखे हुए घास लेने, हमारे टांडे बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं छलोंटा, कुछ ऐसा बोलते हैं यार, मुझे पहाड़ी अभी तक समझ में नहीं, बोलनी नहीं आती, समझ लेती हूँ, पर अभी मुझे अभी भी प्रोनाउंसिएशन नहीं है उसकी सही से पता कि बोलते क्या है। तो अभी चलती हूँ मैं, वो काम करके आती हूँ, फिर घर निकलूँगी लंच के लिए, और दिन भर मिलती रहूँगी आपसे। जैसे आज है छोटी दिवाली, तो छोटी दिवाली की तैयारियाँ भी करनी है, वही लड़ियाँ लुड़ियाँ लगानी है, दिए जलाने हैं शाम को। तो जी, अब निकलती हूँ और आपसे मिलूँगी दिन भर, और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, या इलाहाबाद रहें, दिल्ली रहें, अहमदाबाद रहें, जहाँ भी रहें। तो आज छोटी दिवाली की शुभकामनाएं, बड़ी दिवाली की आपको अलग से दूंगी। तो वीडियो अगर मेरा लेट भी आया ना, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से ही आप लोगों से। एक बात और करनी थी आप लोगों से, कि आप लोग ना आजकल वीडियो थोड़े कम वॉच कर रहे हो, क्योंकि वॉच टाइम कम हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि
ज़्यादा नहीं तो आधा ही देख लिया कीजिए, बट देख लिया कीजिए, क्योंकि इससे जब हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा तो ही हमें फ़ायदा हो सकता है। हमारा मतलब वो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोगों को पता है क्या होगा आगे, पर ये कि वॉच टाइम बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइबर तो हो जाते हैं बट वॉच टाइम बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आप वीडियो को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके देख लिया कीजिए। और अभी पहुंच चुकी हूँ मैं अपने खेत में और निकालती हूँ यहाँ से थोड़े से राजमा भी निकालूँगी, क्योंकि राजमा पक गए हुए थोड़े थोड़े। और 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 ये देखो मैं दराटी उठा के रस्सी उठा के जा रही हूँ खेत में। वैसे मम्मी वगैरह मना करते हैं पर मुझे अच्छा लगता है, मैं फिट रहने के लिए ये काम करती हूँ। एक्चुअली मुझे ना डॉक्टर ने चलने के लिए भी बोला था, मैं 2008 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा फ्रैक्चर हो गया था बहुत बुरी तरह से, तो उस फ्रैक्चर की वजह से मेरी चलने की थोड़ी क्षमता कम हो गई थी। तो मैंने बाद में डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसमें ना ये हड्डी श्रिंक होने लगी है, कि सॉरी टांग श्रिंक होने लगी है, तो आप थोड़ा चला करो नहीं तो ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैं बहुत चली और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वज़न भी बहुत बढ़ गया था। फिर वज़न बढ़ने से मुझे सांस की प्रॉब्लम हो गई थी, सांस की प्रॉब्लम के बाद मुझे इन्हेलर लेना पड़ा जिससे और मोटापा आ गया। तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए मैं बहुत चलती हूँ और बहुत ज़्यादा चलती हूँ। अगर मैं आपको कभी अपने पहले वाले फ़ोटो दिखाऊंगी ना, मैं बहुत मोटी हूँ उसमें। तो ये देखो मैं राजमा दिखाती हूँ आपको पहले, ये देखो पहाड़ी राजमा। रस्सी फेंकती हूँ यार पहले साइड में, इसको धाटू को भी गिर गया था। धाटू फेंकना ना हमारे बहुत बुरा मानते हैं, धाटू को पूजते हैं हमारे यहाँ पे, ये सदरी को और ये धाटू को बहुत पूजते हैं यहाँ पे। ये तो पहाड़ी राजमा और पकने के बाद ये ऐसी शक्ल हो जाती है इनकी, ये देखो पकने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे और एक दूसरा है वो ऐसा हो जाएगा। अलग अलग कलर दिखाऊं मैं इनको आपको, कैसे कैसे होंगे ये। ये देखो इसका कितना सुंदर कलर है, ये देखो पहाड़ी राजमा। एक और दिखाती हूँ आपको, और ये देखो दूसरा, इसका कलर ऐसा है, देखो दोनों डिफरेंट कलर में हैं दोनों, एक पर्पल है और एक पिंकिश वाइट पिंक है, दोनों मिक्स कलर है उसमें, कितने सुंदर देखो। अभी निकाल लेती हूँ मक्की थोड़ी सी मैं गाय के लिए। देखो यहाँ भी चिड़िया ने, ये पूरी चिड़िया नहीं ख़त्म कर ली, तो अभी मैं थोड़ा सा मक्की के ये डंडे जैसे निकाल लेती हूँ गाय के लिए। मिलती हूँ दिन भर आपसे, क्योंकि आज छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली की तैयारियाँ करूँगी, तो उसको भी उसका भी आपको शेयर करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ आज शाम को। दिवाली वाला माहौल देखो कैसा लग रहा है, चारों तरफ बहुत सारी लाइट्स और सब ने अपने घरों को जगमगा दिया है, जगमगा। मैंने भी थोड़ी लाइट्स लगा के रखी है अपने घर में, हाँ दिखा। पूरी नहीं जल रही है, ब्लिंक कर रही है अभी। तो जी मैं पहुंच चुकी हूँ घर और अभी हमारे पूजा हो रही है दिवाली की, आज छोटी दिवाली है तो उसकी पूजा हो रही है, तो उसके लिए अभी सभी घर वाले ऊपर चले गए हैं ऊपर वाली मंजिल में। वहाँ का तो मैं कुछ आपको वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे जैसे पता है आपको पर्दा होता है हमारे भगवान जी का, तो अभी यहाँ की डेकोरेशन आज मैंने ये की है, और बाहर घर की लाइट्स देखो आपको दिख रही है, जगमगा रही है खिड़की में, कुछ नया नहीं, कुछ बस थोड़ा थोड़ा हटके किया है, थोड़ा सा बेडशीट वगैरह चेंज की है, कुछ ज़्यादा नहीं किया। तो ये है आज का मेरा किचन का अंदर काम जो मुझे अभी करना है, और ये है मेरे हॉल का। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, मैंने प्लांट्स ही प्लांट्स लगा दिए सारे घर में ना, ये देखो इधर भी उधर भी, यहाँ वाला तो आपने देखा ही है, ये देखो।
तो अभी मैं सोच रही हूँ कुछ और भी प्लांट्स लेके रखने, पर मुझे गालियाँ पड़ती है घर में कि तू कुछ ना कुछ ऐसे उल्टे फुलटे काम करती रहती है। एक मैंने नया लाया ये वाला, कैसे जिगजैग करके ना ये वाला प्लांट, यहाँ पे भी कुछ बैम्बू स्टिक्स होती है ये भी ला के रखी है। ये देखो ये मेरे पास पहले भी था, मेरे टूट गया था, ये जैसे लाया वैसे टूट गया था, अभी भी टूट गया इस बारी, पर मैंने नया ले लिया। तो चलिए जी, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं निकलती हूँ पूजा के लिए, और कल बड़ी दिवाली को आपसे फिर से मिलती हूँ नई नई चीज़ों के साथ।